फ्रेंड्स नमस्कार। दोस्तों मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों आज की मेरी टॉपिक है विटामिन B5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो विटामिन बी में से एक है। इसे एमिनो एसिड बीटा एलानिन और पेंटोथेनिक एसिड से संश्लेषित किया जाता है, जैसे बायोसिंथेसिस प्लस कोएंजाइम के आंकड़े की संरचना। विटामिन ई के विपरीत जो 8 रासायनिक रूप से सम्मिलित रूपों में होते हैं, जिसे विटामिन के रूप में माना जाता है। पेंटोथेनिक एसिड केवल एक रासायनिक यौगिक है। यह कोएंजाइम ए के संश्लेषण में एक प्रारंभिक यौगिक है। विटामिन B5 के कमी से होने वाले रोग, जैसे मनुष्यों में पेंटोथेनिक एसिड की कमी बहुत दुर्लभ और इसकी पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, मतलब अभी तक पूरी तरह से अध्ययन कोई नहीं हुआ है। कुछ मामलों में जहां कमी देखी गई है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूखमरी के शिकार होने वालों में देखी गई थी, जैसे एशने हुआ, चिड़चिड़ापन, थकान, उदासीनता, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एशने इत्यादि लक्षण देखे गए थे। और इसके सोर्स क्या हैं? विटामिन B5 के सोर्सेस जो होते हैं डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध दही और अंडे, अनाज, मछली, पशु स्रोत वाले पदार्थ और वेजिटेबल्स में आलू, टमाटर्स, जई, अनाज, सूर्यमुखी इत्यादि जैसे पदार्थों में अच्छे मात्रा में विटामिन B5 पाया जाता है। और इसके नॉर्मल डोजेज कितना आवश्यकता होती है हमें, जैसे शिशु में 6 मंथ के बेबी को 1.7 mg, 7 से 12 मंथ के बच्चों के 1.8 mg, 1 साल से लेके 3 साल वाले बच्चों को 2 mg पर डे, 4 से 8 वर्ष के लिए 3 mg और 9 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए 4 mg की ज़रूरत पड़ती है। एडल्ट में यही 5 mg की आवश्यकता पड़ती है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में 6 से लेके 7 mg तक पर डे इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।